हाँ जी राजे, बीए पार्ट थ्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और बीएससी थ्री नॉन मैडिकल के स्टूडेंट्स, वेलकम है तुहाडा मैथमेटिकल मैथड्स मैथ्स लैक्चर की क्लास के विच। आपां ने मैथमेटिकल मैथड का ए सैक्शन का लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया होया आ स्टार्ट किया होया। प्रीवियस लैक्चर्स के विच लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन की हुंदी आ, किस तरह नाल आपां किसी फंक्शन की लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन की हुंदा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सीगियाँ, ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़िया सीगियाँ। अज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक, लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिवस, के किसी डेरीवेटिव की लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन किमें पता करनी है। सो ये स्टेटमेंट है थ्योरम की, लैट एफ ऑफ टी बी ए रियल एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा ऑन द इंटरवल जीरो टू इनफिनिटी, आलसो एफ डैश टी बी ए कंटिन्यूस या पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन जीरो टू इंटरवल तक, दैन आपने प्रूव करके दिखाना है कि लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन है जी एफ डैश टी की, एफ दे डेरीवेटिव की भी लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। ये तां पॉसिबल है जे एफ कंटिन्यूज हो पीस वाइज कंटिन्यूज हो, दैन एफ दे डेरीवेटिव की लैपलैस की होएगी, एक बारी एस नाल मल्टीप्लाई कर दो एफ की लैपलैस का, आ एफ ऑफ एस का मतलब की है लैपलैस ऑफ एफ ऑफ टी, बिना डेरीवेटिव किए वो लैपलैस पता करो, उन्हूं एस नाल मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल फंक्शन दे विच एस दी थां ते टी दी थां ते जीरो पुट कर दो, टी दी जगह ते जीरो इन एफ ऑफ टी। सो ध्यान रखो कोमल, जल्दी बैठो राजे। आपां ने प्रीवियस डेज दे विच पढ़िया सीगा कि जे एफ ऑफ टी की लैपलैस पता करिए कैपीटल एफ ऑफ एस आता है। तुम लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन दी क्लास लगाइया ने, पहला लगाई हुई ने ना, ऑनलाइन अटेंड की हुई ने या ऑफलाइन लगाई ने? हाँ, मैं दोबारा फिर दस दिना कि जे आप किसी चीज़ की किसी फंक्शन की एफ ऑफ टी की लैपलैस पता करनी है तो टी वेरी करता जीरो तो इनफिनिटी तक, उस फंक्शन नू जां एफ ऑफ टी नू ई दी पावर माइनस एस इन टू टी लगा के इंटैग्रल कर देना है। ओरिजिनल फंक्शन दी जदों लैपलैस पता करते हैं टी नाल इंटैग्रल कर दें तो ये दो वेरीएबल्स होंगे ने एस अते टी, टी दी लिमिट्स भरिया जांदियां ने, पिछे किहड़ा फंक्शन बचता एस का बचता। सो एफ ओफ टी की जो लैपलैस लैने उन्हूं कैपीटल एफ ओफ एस कहने। अज का जिहड़ा अपना काम आ मेनली वो ये आ कि जे एफ कंटिन्यूज फंक्शन होवे उहदा डेरीवेटिव भी कंटिन्यूज है, तो ध्यान दो इधर एफ दे डेरीवेटिव की जो लैपलैस पता करनी है, एफ दे डेरीवेटिव की जो लैपलैस पता करनी है तो फार्मूला एस नाल मल्टीप्लाई कर दो कैपीटल एफ ऑफ एस नू, मतलब कि बिना डेरीवेटिव किए वो लैपलैस पता करो, जो चीज़ बाकी बचती है उन्होंने एस नाल मल्टीप्लाई कर दो माइनस समॉल एफ ऑफ जीरो, कि ओरिजिनल फंक्शन दे विच टी दी जगह ते जीरो भर देना। सो ए थ्योरम दा प्रूफ है अपने कोले, अपने की प्रूफ करना ध्यान नाल दोबारा देख लो, एफ दे एक बार डेरीवेटिव दी जे लैपलैस पता करनी आ तो एस नाल मल्टीप्लाई हो जूगा एफ ऑफ एस माइनस ओरिजिनल फंक्शन दे विच एस दी जगह टी दी जगह ते की पुट कर दो जीरो, ये अपना प्रूफ है। सो आप स्टार्ट करन लग रहे हैं केस वन दे विच, दो केस होणगे, दे पहला केस होगा कि एफ पूरे इंटरवल ते कंटिन्यूज है, दूजा केस होगा एफ पीस वाइज कंटिन्यूज है, थोड़े थोड़े पार्ट्स के उपर कंटिन्यूज है, कितने ना कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं है। सो केस नंबर वन शुरू करते हैं, वैन एफ डैश टी इज कंटिन्यूज ऑन द इंटरवल जीरो टू इनफिनिटी। हुण जदों आपां एफ दे डेरीवेटिव की या किसी भी चीज़ की जदों आपां लैपलैस पता करनी है तो उस चीज़ नूं ई दी पावर माइनस एस इन टू टी लगा के टी दे विद रिस्पैक्ट टू जीरो टू इनफिनिटी इंटैग्रल कर देना, ठीक है। तो इत्थे की है हुण अपने कोले, पहली गल तो आपां जिहड़ा इनफिनिटी वाली लिमिट है इमप्रोपर इनडेफिनिट लिमिट है इहनूं आपां हेठां टेक कर लैंदे कि टी दी जगह ते बाद च इनफिनिटी भर दिंदे आ, पहला आपां जीरो तो टी तक इंटैग्रल कर लैंदे आ, ठीक है। हुण इत्थे आपां करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सिखाया जाता
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दे विच आपां इह चीज समझ के चलते होंगे कि फस्ट फंक्शन मोस्टली उस फंक्शन नूं मानते होंगे जिहदा डेरीवेटिव दूजे के अकॉर्डिंग टू रिड्यूस हुंदा होवे, उस फंक्शन नूं आपां फस्ट फंक्शन मानते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दे विच फस्ट फंक्शन का डेरीवेटिव आता। या आपां सैकेंड नंबर ते इह वी चीज कंसीडर करते होंगे कि सैकेंड फंक्शन आपां उस फंक्शन नूं मनना आ जिहदा इंटैग्रल सैकेंड दे कंपैरेटिवली पहले दे कंपैरेटिवली सौखा सॉल्व हो रहा हो, जिहदा इंटैग्रल इत्थे ई दी पावर माइनस एस इन टू टी का डेरीवेटिव ना तो रिड्यूज होगा ना ही ई दी पावर एस इन टू टी का डेरीवेटिव दूजे के मुकाबले सौखा आ, पर इहदा इंटैग्रल तो ईजी आ, एफ डैश टी का इंटैग्रल करांगे एफ ऑफ टी बच जूगा, है ना। एफ डैश टी का जो इंटैग्रल करांगे एक बार डेरीवेटिव घट जूगा, तो आप इनू सैकेंड फंक्शन मानते हैं, इनू फस्ट फंक्शन मानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट्स करते हैं, जो फस्ट फंक्शन सेम सैकेंड का इंटैग्रल किया इहदा डेरीवेटिव कैंसल होकर एफ ऑफ टी बच गया, जीरो तो लैके टी तक लिमिट्स भरनिया हले बाकी ने, माइनस जीरो तो टी तक इंटैग्रल पहले का डेरीवेटिव करते हैं तो सेम रह गया, कल्ली पावर का डेरीवेटिव करते हैं माइनस एस इन टू टी का, टी दे विद रिस्पैक्ट टू टी तो माइनस एस बाकी बच गया, मल्टीप्लाई सैकेंड का इंटैग्रल करांगे दोबारा फिर एफ ऑफ टी आ जूगा, ठीक है। हुण जो ये अपर लिमिट्स भरांगे तो टी की जगह पर टी रह जूगा, लोअर लिमिट्स जो भरांगे तो जीरो आ जूगा, कितने कितने जीरो आ जूगा, ई की पावर च जीरो वन ही बन गया, एफ ऑफ टी की जगह पर जीरो भरांगे एफ ऑफ जीरो आ जूगा। तो देखो ध्यान नाल इत्थे की आ गया, आ अपर लिमिट्स भरती आपने आ लोअर लिमिट्स भरती, ये माइनस माइनस प्लस का सिंबल आ गया, एस बार कॉमन आ गया क्योंकि इंटैग्रल है टी दे विद रिस्पैक्ट टू, ई दी पावर माइनस एस इन टू टी सेम लग गई, एफ ऑफ टी कॉमन पिया, कॉमन नहीं उदा ही पिया एफ ऑफ टी। तो जो इतने अपर लिमिट्स भरांगे, जो अपर लिमिट भरांगे ई दी पावर माइनस इनफिनिटी की बन जूगा जीरो, ई दी पावर माइनस इनफिनिटी की आ जूगा जीरो, जीरो नाल फंक्शन मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बच गया, जो लोअर लिमिट भरांगे तो ई दी पावर जीरो वन बन गया, की बचूगा माइनस दे विच की बचूगा एफ ऑफ जीरो, ये एस बाहर आ की चीज पई है सेम ही आ जीरो तो इनफिनिटी क्योंकि टी की जगह पर हूँ आप लिमिट इनफिनिटी भरती, ई दी पावर माइनस एस इन टू टी की है एफ ऑफ टी, तो यह चीज़ की बाकी बच रही है माइनस का एफ ऑफ जीरो, इधर ध्यान दो माइनस का एफ ऑफ जीरो प्लस एस दे नाल आ की चीज आ, ये तो ऐदा नहीं शो हो रहा एफ ऑफ टी दे नाल आ चीज़ मल्टीप्लाई करके जीरो तो इनफिनिटी तक इंटैग्रल किया गया, इहदा मतलब ये की चीज़ होगी, इनू आप बोल सकते हैं लैपलैस ऑफ एफ ऑफ टी, जे लैपलैस ऑफ एफ ऑफ टी है आ वाली चीज़ तो यदि जगह पर आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एस, तो अपने को राइट हैंड साइड बच गई कि लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इहदे इक्वल बचती है एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस, मतलब कि एफ ऑफ टी की लैपलैस माइनस एफ ऑफ जीरो आ वाला जो बचा से, यही अपनी थ्योरम सी। सो थ्योरम का पहला पार्ट अपने को कंप्लीट है जिदे आपने एक बार डेरीवेटिव की लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन की है, फस्ट केस सीगा एफ फंक्शन कंटिन्यू सीगा। हुण आपां केस टू की गल करते हैं, वैन एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूस, एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब की है कि टी कोई एनी पॉजिटिव नंबर है, दैट मीनस एफ डैश टी की है डिसकंटीन्यूटीज आ एट कुछ पॉइंट्स से, कुछ कुछ पॉइंट्स से डिसकंटीन्यूज है, मतलब कि यह नहीं है कि जीरो तो इनफिनिटी तक सारे कितने कंटिन्यूज है, वह ब्रेक्स के विच है। पहली गल तो ये आ जरा जीरो टू इनफि, हूँ आप दोबारा फिर उही काम शुरू कर रहे लग रहे हैं, एफ डैश टी की लैपलैस लेनी है, एफ डैश टी की जो लैपलैस लेनी है तो एफ डैश टी ई की पावर माइनस एस इन टू टी मल्टीप्लाई करो जीरो टू इनफिनिटी तक इंटैग्रल करो। हुण आ जिहड़ा जीरो टू इनफिनिटी है इहनू आपां टी लिमिट इनफिनिटी टेक करदे आं कॉमन बाद दे विच पुट करांगे, पहलां तां जीरो तो लैके टी तक इंटैग्रल करदे आं, हुण जीरो तो लैके टी तक हैगा होल इंटरवल, इहदे ब्रेक कर लैंदे आं आपां पीसिस, जिथे जिथे फंक्शन डिसकंटीन्यूटीज आ उन्हां उन्हां पॉइंट्स तक आपां ब्रेक्स कर लांगे कि जीरो तो इन्ने तक, वह तो उपर तक, वह तो उपर तक, सो इहदे ब्रेक्स कर ले जीरो तो टी वन तक, टी वन तो टी टू, टी टू तो टी थ्री अप टू सो वन टी एन तो लैके टी तक, जिथे जिथे भी फंक्शन की सीगा ब्रेक सीगा उन्हां पॉइंट्स तक आपां ने फंक्शन दे जिहड़े पॉइंट्स ऑफ लिमिट्स सीगे आपां उन्हां फंक्शन्स ते नूं ब्रेक कर लिया, ओपन कर लिया फंक्शन।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਵਨ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਵਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਕੱਲੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੀਜੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ ਐਥ ਦਾ ਆਜੂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਲਗਾ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਮਿਟ ਟੀ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰੋ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਟੀ ਵਨ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਵਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ। ਐਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਫਿਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਵਨ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਵਨ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਵਨ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਵਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਐਸ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਵਨ ਤੱਕ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਵਨ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਟੂ ਤੱਕ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਟੀ ਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਥ੍ਰੀ, ਐਵੇਂ ਟੀ ਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਵਨ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੀ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਵਨ ਵਾਲਾ ਟੀ ਵਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਟੀ ਟੂ ਵਾਲਾ ਟੀ ਟੂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਟੀ ਥ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਟੀ ਐਨ ਵਾਲਾ ਟੀ ਐਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਐਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਖ ਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਖ ਲਏ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਟੀ ਵਨ, ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਟੀ ਟੂ, ਟੀ ਟੂ ਤੋਂ ਟੀ ਥ੍ਰੀ, ਟੀ ਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਟੀ ਵਨ, ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਟੀ ਟੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਜੂਗਾ, ਟੀ ਤੱਕ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਵੇਰੀਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਟੀ ਆ, ਨਾਲ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਚ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਇਨ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਮਾਈਨਸ ਸਮਾਲ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਜੇ ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,
नैक्सट थ्योरम अपने को चलो ठीक है एफ तो ठीक है एफ कंटिन्यू सीगा एफ का डेरीवेटिव भी कंटिन्यू सी उदा डबल डेरीवेटिव उदा ट्रिपल डेरीवेटिव उदे एन माइनस वन डेरीवेटिव भी ने सारे दे डेरीवेटिव की लैपलेस क्ढनी आपां ने तो पहले वाली की हैल्प लवेंगे आप हुण आपां सैकेंड डेरीवेटिव एक जरनल रिजल्ट कढ लिया कि एनथ डेरीवेटिव आ की है एफ की पावर दे विच एक्सपोनेंट च एन का मतलब की है एनथ डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी कि जे एनथ डेरीवेटिव होवे इहदा फॉर्मूला की बनू एस की पावर एन दे नाल एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन दे नाल एफ ऑफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू दे नाल एफ डैश जीरो फिर माइनस च एस की पावर एन माइनस थ्री दे नाल एफ डबल डैश जीरो मतलब कि जिनी एस की पावर आ उस तो एक लैस डेरीवेटिव आ एन माइनस थ्री है तो इत सैकेंड डेरीवेटिव आ एन माइनस टू है तो इत फस्ट डेरीवेटिव आ अखीर तो एस की पावर एन माइनस एन होगा तो इस एन नालों एक लैस आ देखो टू तो एक लैस डेरीवेटिव वन है एक तो लैस डेरीवेटिव जीरो है ठीक है जे एन माइनस एन है मतलब एस की पावर जीरो आ तो एन तो घट किन्ने ऑर्डर का डेरीवेटिव होगा एन माइनस वन का सो ये फॉर्मूला जहा बन गया अपने को इनू रिमैंबर करो राइट आउट करो ध्यान दो ये वल कि जे एन एथ डेरीवेटिव हुंदा उहदी लैपलेस पता कर दे वह की चीज़ बनती एस की पावर एन दे नाल एफ ऑफ एस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एक एक करके घटती रहेगी पहला एफ ऑफ जीरो आजूगा फिर ये एक एक बार डेरीवेटिव वधते रहेंगे एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो अखीर ते एफ रेज्ड पावर मतलब एफ का एन माइनस वन डेरीवेटिव एट टी इक्वल टू जीरो हुण आपां इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं पहली थ्योरम तो अपने को आ चुकिया फ्रॉम लैपलैस थ्योरम ऑफ डेरीवेटिव वी हैव अबव थ्योरम एज ए लैमा प्रूफ करना पड़ेगा लैमा प्रूफ करने तो बाद अपने को रिजल्ट आ चुकिया पहली थ्योरम के आया से अपने को जे एक बार डेरीवेटिव की लैपलैस करते हैं तो एस दे नाल आ जाता कैपीटल एफ ऑफ एस माइनस की बच जाता एफ ऑफ जीरो हुण आपां पहला डबल डेरीवेटिव वल चलते हैं कि जे डबल डेरीवेटिव हुंदा पहली थ्योरम नूं तुसीं एवें समझो कि जिन्ना भी इत्थे डेरीवेटिव आ जिन्ना इत्थे डेरीवेटिव आ उह तों एक डेरीवेटिव घट दी लैपलैस पता करनी है एवें समझो माड़ा जिहा टाइम दो मेरी गल नूं सुणन दे लई समझो कि जे एक बार डेरीवेटिव आ तो एस की पावर वन होगा जिन्ना इत्थे डेरीवेटिव आ वो तो एक घट डेरीवेटिव की लैपलैस आ जिन्ना इत्थे डेरीवेटिव आ उन्नी ही पावर दे विच आपां ने जीरो पुट करना उन्नी ही फंक्शन दे डेरीवेटिव आपां ने जीरो पुट करना जे एक आ तां जीरो इत्थे डेरीवेटिव दे विच आपां फंक्शन की पावर जीरो पुट करांगे ध्यान दो मैं थोड़ा जिहा रिडक्शन फॉर्मूले वांग समझाउण की कोशिश करदा कि जे एक बार डेरीवेटिव आ तो एस की पावर एक आऊगी जे एक बार डेरीवेटिव आ तो वह तो एक डेरीवेटिव घट की लैपलैस है जे एक डेरीवेटिव आ तो वह तो एक घट वारी एफ दे विच जीरो भरांगे हुण डबल डेरीवेटिव आ गया जे डबल डेरीवेटिव आ गया तो एस की एस वन लग गया एस की पावर वन लग गया जे दो बार डेरीवेटिव सी तो यह तो एक घट डेरीवेटिव की लैपलैस कढ़नी है पहला एक बार डेरीवेटिव सी तो एफ की लैपलैस आ जे दो बार डेरीवेटिव आ तो एक बार डेरीवेटिव की लैपलैस है जे एक बार डेरीवेटिव सी तो एक घट डेरीवेटिव च जीरो भरना जे दो बार डेरीवेटिव आ तो एक घट डेरीवेटिव च जीरो भरना समझ लग रहा जे एक बार डेरीवेटिव सी तो एक पिछे मुड़िया एक स्टैप बैक आके उहदे विच जीरो भर दो जे डबल डेरीवेटिव आ तो एक स्टैप बैक आके एफ डैश च जीरो भर दो ठीक है पता लग गया हुण इहदी वैल्यू भर दो यही उपर वाली लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इत्थे की आ जूगा इत्थे एस लगूगा नाल एस लगूगा कि जे लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी आ तो एस दे नाल की आ गया एफ ऑफ एस
माइनस एफ ऑफ जीरो, एक एस बाहर पे एक एस अंदर आ, तो इतने की आ जूगा एस स्केयर आ जूगा, एस स्केयर दे नाल एफ ऑफ एस, फिर आ एस नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे माइनस एस दे नाल एफ ऑफ जीरो, माइनस च की पिया एफ डैश जीरो। समझ लग रहा, दोबारे समझावा, दसो एक बार दोबारे समझना, समझ लो भावे, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। जे डबल डेरीवेटिव आ, चलो जिन्ना भी डेरीवेटिव आ बाहर एस लगा के, जिन्ना भी इत हुण तुसीं एवें पढ़ना इहनू कि जिन्नी बार भी इत्थे डेरीवेटिव आ कोई इशू नहीं, बाहर एस लगा के वो तो एक घट डेरीवेटिव की लैपलस पता करो, माइनस जिन्ना इत्थे डेरीवेटिव आ वो तो एक घट डेरीवेटिव दे विच टी दी संद जीरो भर दो, एक घट डेरीवेटिव की लैपलस पता करनी आ, ये नालों एक घट डेरीवेटिव की आपने टी दी संद जीरो भरना। नैक्सट हुण इत्थे इहदी वैल्यू पुट हो जूगी इस चीज़ की, लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी। हुणे हुणे मैं की दस्या कि जिन्ना भी इत्थे डेरीवेटिव आ बाहर एस लगा के एक घट की लैपलस पता करो, एक घट की लैपलस का मतलब की आ जूगा, जिन्ना भी इत्थे डेरीवेटिव आ वो तो एक घट डेरीवेटिव की लैपलस पता करांगे, ये की आ जूगी एफ ऑफ टी की लैपलस। एफ ऑफ टी की लैपलस नूं आपां की लिख सकते हैं, कैपीटल एफ ऑफ एस, माइनस की आ जूगा जिन्ना भी इत्थे डेरीवेटिव आ एक स्टैप घट एक स्टैप पिछे आके उहदे विच टी दी संद जीरो भर दांगे। जे एक बार डेरीवेटिव सीगा तां एफ च जीरो, जे डबल डेरीवेटिव सीगा तां एफ डैश च जीरो, माइनस की पे एफ डैश जीरो। हुण आ एस नूं एस नाल मल्टीप्लाई करांगे एस स्केयर आ जूगा, नाल की आ गया एफ ऑफ एस, इस एस नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे माइनस एस दे नाल डबल एफ ऑफ जीरो, ते आ माइनस दा एफ डैश जीरो आ। इह आ गई फंक्शन दी दो बार डेरीवेटिव दी लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। हुण आपां अगेन बाय यूजिंग अबव रिजल्ट, हुण आपां तीन बार डेरीवेटिव वल चलते हैं, ध्यान दिओ मैं तीन बार डेरीवेटिव नूं किवें लिखांगा। हुणी हुणी आपां ने फॉर्मूला पढ़िया कि जे तीन बार डेरीवेटिव आ इहनूं की लिख लैंदे आ, इहनूं मैं थोड़ा जिहा अपने तरीके नाल करवावां, लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, बाहर एस लगा के, बाहर एस लगा के लैपलैस पता करनी है तुसी एक घट डेरीवेटिव दी, माइनस एक घट डेरीवेटिव ची टी दी थां ते जीरो भर देना। आ फार्मूला है अपने कोल जिहड़ा आपां ने पहली थ्योरम च सिखिया कि जिन्ना भी इत्थे डेरीवेटिव आ उहदी च लैपलैस पता करनी आ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਟੀ ਦੀ ਸੰਦ ਜੀਰੋ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, माइनस एफ डैश जीरो आ जाऊगा। आही आ जाऊगा कि जे डबल डेरीवेटिव आ तो बाहर एस लगा के ये डबल डेरीवेटिव आ तो तुसी एक बार डेरीवेटिव की लैपलैस पता करो, माइनस एफ डैश जीरो, जिन्ना इत्थे डेरीवेटिव आ उहदे नालों एक घट डेरीवेटिव दे विच टी दी संद जीरो भर दो, इहदी ब्रैकेट ओपन कर लो। आ एस नूं एस नाल मल्टीप्लाई करांगे एस स्केयर आ गया, इत्थे लैपलैस किहदी आ एफ डैश टी दी, माइनस इस एस नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई होके की आ गया एस दे नाल एफ डैश जीरो, माइनस चाह की पिया एफ डबल डैश जीरो। अगे चल के हुण इहदी वैल्यू पुट कर दो एफ डैश टी दी, अज ही आपां ने पढ़ी इहदी फॉर्मूला की सी, बाहर एस लगा के लैपलैस किहदी एफ ऑफ टी दी, माइनस एफ ऑफ जीरो, यही पढ़िया अज, माइनस एस दे नाल आ की पिया एफ डैश जीरो, माइनस एफ डबल डैश जीरो। तो अगे चल के की आऊगा, इस एस नूं एस नाल एस स्केयर नूं एस नाल मल्टीप्लाई करांगे एस क्यूब, आ एफ ऑफ टी दी लैपलैस आ, इहदी जगह ते आपां एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, माइनस च इस एस स्केयर नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे एस स्केयर दे नाल एफ ऑफ जीरो, माइनस
एस दे नाल एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो ये तुहाडा फॉर्मूला बन गया तीन बार डेरीवेटिव का कि जे तीन बार डेरीवेटिव हुंदा उहदी लैपलेस पता कर दे तां एस क्यूब दे नाल इकल्ले एफ दी लैपलेस आ एफ ऑफ एस का मतलब की आ इकल्ले एफ दी लैपलेस माइनस एस दीआं पावरज घटदीआं रहणगीआं एस स्केयर एस अते एस दी पावर जीरो पहला एफ ऑफ जीरो आजू फिर एफ डैश जीरो आजू फिर एफ डबल डैश जीरो हुण इत्थों ही आपां चार बार डेरीवेटिव की लैपलेस लिख सकते हैं जे चार बार डेरीवेटिव हुंदा उहदा फॉर्मूला की आ जांदा सीधा सीधा शॉर्टकट च आ जांदा एस की पावर चार दे नाल एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर तीन दे नाल एफ ऑफ जीरो माइनस एस की पावर दो दे नाल एफ डैश जीरो माइनस एस दे नाल एफ डबल डैश जीरो माइनस एफ ट्रिपल डैश जीरो लो जी चार पावर का आ गया एवें पांच पावर का आजगा एवें एन पावर का आजगा एन पावर का की फॉर्मूला होगा लो एफ की पावर एन एन एथ डेरीवेटिव एस की पावर एन दे नाल एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन दे नाल एफ ऑफ जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस टू दे नाल एफ डैश जीरो माइनस एस की पावर एन माइनस थ्री दे नाल एफ डबल डैश जीरो अप टू सोन अखीर ते की रह जाता एफ की पावर एन माइनस वन ऑफ जीरो एवें आ जाता ये जरनलाइजेशन आ ये दो तीन थ्योरम्स बन दिया ने कंबाइन होकर एको ही थ्योरम बनती है लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिव एक अगे चल के थ्योरम आऊगी लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेरीवेटिव ऑन डेरीवेटिव ऑफ डेरीवेटिव फर्क है जिहड़ी हुण आपां ने कीती आ ये हैगी आ लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिव कि पहला डेरीवेटिव किया हो बाद च लैपलैस पता करनी आ एक अगे चल के आऊगी थ्योरम आपां नूं लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेरीवेटिव कि पहला लैपलैस करो बाद दे विच डेरीवेटिव करो ठीक है आता समझ लग गया इनू आप करके देख लो होमवर्क च जाके सो आ एन एथ तीन वाले डेरीवेटिव की आ गई उसके बाद एन एथ डेरीवेटिव की का फॉर्मूला लग गया अपने को उस तो बाद आ गई जिहड़ी मैं हुणे हुणे गल कर रहा सी लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेरीवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन कि पहला लैपलैस लो बाद च डेरीवेटिव करो ये अलग थ्योरम है अज का मेन टॉपिक अपना यही है अद्धा टॉपिक आपने कवरअप कर लिया अद्धा टॉपिक मैं होर कवरअप करा जी हूँ आपने पिछे थ्योरम की है लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिव वो हैगी पहला डेरीवेटिव करना बाद लैपलैस देखने लिए कहा गया जी हूँ आप कर रहे हैं ये हैगी लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेरीवेटिव या कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन कि पहला लैपलैस लो इधर देखो ध्यान पहला लैपलैस लो बाद दे विच की कहा गया डेरीवेटिव करनो उलट हो गया पहला की सी डेरीवेटिव फस्ट दैन लैपलैस हुण की कहा गया फस्ट लैपलैस दैन डेरीवेटिव सो स्टार्टिंग कर दें आप इहदी देखो तो की कहा गया स्टेटमेंट दे विच इह स्टेट एंड प्रूव आउंदियां ने ध्यान रखियो स्टेटमेंट तुहानू खुद करन लई कहा जा सकदा स्टेट एंड प्रूव करन दे लई Let f of t be a real and piecewise continuous function of exponential order alpha on interval 0 to infinity. And ए भी क्या गया कि f of t दी जद लैपलैस पता कर दे तो कैपीटल f of s बाकी बचता तो आपने दैन उस तो बाद की प्रूव करके दिखा कि जे एक बार फंक्शन की लैपलैस जिहड़ी भी f of s आती है जे उहदा एक बार डेरीवेटिव कर दे एफ ऑफ टी की लैपलैस आ रही है कैपीटल एफ ऑफ एस जे कैपीटल एफ ऑफ एस का एक बारी एस नाल डेरीवेटिव करते हैं तो राइट साइड पर आ जाता माइनस वन दे नाल लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इन टू एफ ऑफ टी जे एफ ऑफ एस का एक बारी टी नाल डेरीवेटिव करते हैं तो राइट साइड पर आ जाता माइनस वन इंटू किदी लैपलैस टी दे नाल मल्टीप्लाई च पिया एफ ऑफ टी
फर्दर आपां इहनूं की प्रूव करांगे, इहदा जनरल रिजल्ट की कढांगे इस रिजल्ट तों कि जे एक बार डेरीवेटिव सी तां माइनस वन एक वारी आया सी अते टी दी एक पावर आई सी, माइनस वन एक वारी आया एक बार टी दी पावर आ, जे दो वार हुंदा तां माइनस वन दो वार आउंदा टी दी पावर दो हुंदी, जे एन वार डेरीवेटिव करन नूं कहा गया तां माइनस वन एन वारी आऊगा नाल टी दी पावर एन आऊगी। ठीक है, मेन अपना ये थ्यूरम दी स्टेटमेंट है, दोबारा समझनी है दोबारा समझ लो कि इकल्ले एफ ऑफ टी दी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ जिहड़ी उह कैपिटल एफ ऑफ एस बाकी बचती है। जे तुसी एफ ऑफ एस जानी कि एफ ऑफ टी दे लैपलेस दा एक बार डेरीवेटिव कर दिओ तां राइट हैंड साइड ते माइनस वन एक बारी आउंदा नाल मल्टीप्लाई च आउंदा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इनटू एफ ऑफ टी। जे दो बारी डेरीवेटिव करन नूं कहा गया तां माइनस वन दो बारी आऊगा नाल लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की आऊगी टी स्केयर इनटू एफ ऑफ टी दी। जे तीन बार डेरीवेटिव करन नूं कहा गया एफ ऑफ एस दा तां माइनस वन तीन बारी आऊगा नाल लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आऊगी टी क्यूब इनटू एफ ऑफ टी दी। जे एन बार डेरीवेटिव करन नूं कहा गया एफ ऑफ एस दा तां माइनस वन की पावर एन आऊगा नाल मल्टीप्लाई च लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आऊगी टी की पावर एन इनटू एफ ऑफ टी दी। ये अपनी स्टेटमेंट है सारी दी सारी, बहुत सिंपल जिहा प्रूफ आ। आपां स्टार्ट करदे आ प्रूफ। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी के कैपिटल एफ ऑफ एस कदों आउंदा, मतलब के जदों आपां एफ ऑफ टी दी लैपलेस लैने आ, जदों आपां एफ ऑफ टी दी लैपलेस लैने आ मीनिंग कैपिटल एफ ऑफ एस बाकी बचदा, तां इहदा फॉर्मूला की सी, टी दियां लिमिट्स नेगियां जीरो तो लैके इनफिनिटी तक, आपां ई दी पावर माइनस एस इंटू टी नाल मल्टीप्लाई करदे आ दिते हुए फंक्शन नूं एफ ऑफ टी नूं, यह हुंदा इहदा फॉर्मूला। ठीक है, इहदा फॉर्मूला हुंदा एफ ऑफ एस दा, आह वाला फॉर्मूला हुंदा। हुण आपां गल करदे आ डेरीवेटिव बोथ साइड दे विद रिस्पैक्ट टू एस, आ ध्यान दो एस दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करदे आ क्योंकि इदां दा ही अपना स्टेटमेंट है। आपां ने स्टेटमेंट च की करन नूं कहा गया, आपां नूं स्टेटमेंट च की करन नूं कहा गया, एफ ऑफ एस का डेरीवेटिव करने कहा गया कि विद रिस्पैक्ट टू एस दे, उपर स्टेटमेंट दे विच कैपिटल एफ ऑफ एस का विद रिस्पैक्ट टू एस डेरीवेटिव करने कहा गया, तो आप इस फार्मूले का बोथ साइड के विद रिस्पैक्ट टू एस डेरीवेटिव करते हैं। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड से कैपिटल एफ ऑफ एस का की बचूगा, कैपिटल एफ ऑफ एस का एस नाल डेरीवेटिव, अननोन फंक्शन है, यह अननोन फंक्शन का आप डेरीवेटिव कर नहीं सकते, जस्ट नाल ऑपरेटर लिख दें डेरीवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस विद रिस्पैक्ट टू एस नाल ऑपरेटर लाता। राइट हैंड साइड से भी एवं कम करते हैं डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एस का। हुण राइट हैंड साइड का इंटैगरल हैगा टी दे विद रिस्पैक्ट टू, पर आप डेरीवेटिव कर रहे हैं एस दे विद रिस्पैक्ट टू, इहदा इंटैगरल कैंसल नहीं होना, ध्यान दो इत्थे समझण वाली चीज़ आ, हो सकदा तुहानूं इह चीज़ पहले ही ऑलरेडी पता होवे। जे आपां टी नाल ही डेरीवेटिव किया हो, टी नाल ही इंटैगरल दिता होया, टी नाल ही डेरीवेटिव हुंदा तां डेरीवेटिव नाल इंटैगरल कैंसल हो जाणा सी, जस्ट अपर लिमिट अते लोअर लिमिट फिल होणी सी, पर इत्थे की आ डेरीवेटिव होर दे विद रिस्पैक्ट टू आ, इंटैगरल होर दे विद रिस्पैक्ट टू आ, इत्थे की आएगा सारी चीज़ एज इट इज़ पई रहेगी, जिदे जिदे विच एस आ सिर्फ उहदा डेरीवेटिव हो जाएगा, सारी चीज़ इंटैगरल डेरीवेटिव जो कुछ भी है, समेशन है, इंटैगरल है, डेरीवेटिव आ, जो चीज़ पई है सेम एज इट इज़ पई रहेगी, जस्ट जिदे विच एस अपीयर हो रहा उहदा डेरीवेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंटैगरल का वेरीएबल होर आ अते डेरीवेटिव का वेरीएबल होर है। वो समझ लग रहा, तो इत्थे आपां की काम कर दिंदे आ, आ देखो इत्थे आपां इहनूं एवें लिख दांगे डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस विद रिस्पैक्ट टू एस, जीरो तो इनफिनिटी तक लिमिट्स ने, सिर्फ इहदे विच एस आउंदा, तां आपां इहदा डेरीवेटिव लिख दिंदे आ विद रिस्पैक्ट टू एस, हले करिया नहीं जस्ट लिखता, अगले स्टैप च आपां डेरीवेटिव कर दिंदे आ। अगले स्टैप च इहदा डेरीवेटिव करांगे की आऊगा, एक बारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम, कल्ली पावर दा एस नाल डेरीवेटिव, हुण जदों पावर दा एस नाल डेरीवेटिव करांगे की आऊगा माइनस दा टी आ जाऊगा, पावर दा जदों एस नाल डेरीवेटिव करांगे
ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੋਮਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਕੋਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ, ਟੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਟੀ, ਆ ਟੀ ਨੂੰ ਐਫ ਐਫ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਟੀ, ਆਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਟੀ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਫ ਟੀ ਦੀ, ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਟੀ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਫ ਟੀ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਐਫ ਐਫ ਐਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੀ ਇੰਟੂ ਐਫ ਐਫ ਟੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਦਰ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਐਫ ਐਫ ਐਸ ਦਾ ਐਨ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਲੱਗ ਕੇ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਏ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਔਨ ਐਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਲੈਪਲੈਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਕੇਸ ਵਨ, ਵੈਨ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਬਵ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫੋਰ ਐਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਅਬਵ ਥਿਓਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਥਿਓਰਮ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੇਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫੋਰ ਐਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਪ ਟੂ ਐਮ ਐਥ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਐਮ ਐਥ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਦਾ ਐਮ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਆਊਗੀ, ਨਾਲ ਟੀ ਦੀ ਲੈਪਲੈ, ਨਾਲ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਇੰਟੂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਦੀ ਲੈਪਲੈਸ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਦਾ ਐਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਸ ਐਮ ਐਥ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇੰਟੂ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਵੈਨ ਐਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਮ ਪਲੱਸ ਵਨ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਰੂ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਨੈਕਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਟਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ 13 ਦੇ ਨਾਲ 14ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 14 ਦੇ ਨਾਲ 15ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 15 ਦੇ ਨਾਲ 16ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਜੈਕਟਿਵਲੀ ਦੋ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਟਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਮ ਐਥ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਮ ਪਲੱਸ ਵੰਥ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਐਮ ਐਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਐਮ ਐਥ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਮ ਪਲੱਸ ਵਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੂ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਵੇਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ,
लैफ्ट हैंड साइड से एस का एम एथ तक का डेरीवेटिव आ, एक नैक्सट डेरीवेटिव आजगा कि डेरीवेटिव आजगा एस प्ल एस की पावर एम प्लस वन आजगा, तो लैफ्ट हैंड साइड से की आदा डेरीवेटिव एक बार एस नाल होर कर देना, राइट साइड से भी आ सारी चीज़ का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एस कर देना अपना, हले मैं जस्ट दोनों पास डेरीवेटिव के सिंबल लिखे ने। इस तो बाद की आजगा लैफ्ट हैंड साइड से एस एक बार होर कर रहे हैं, एम एथ डेरीवेटिव पहले ही सी तो यह की बन गया एम प्लस वन थोडर का डेरीवेटिव बन गया, राइट हैंड साइड चो माइनस वन की पावर एम कॉमन आ गई, डेरीवेटिव कि होगा क्योंकि आता टी का मैटर आ सारी आप डेरीवेटिव एस नाल कर रहे हैं, सो सिर्फ यदा डेरीवेटिव होगा जिद एस दिखाई दिता तो सिर्फ यदा डेरीवेटिव होगा, यदा डेरीवेटिव होकर की बचूगा एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम नाल कल्ली पावर का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एस तो माइनस टी बचूगा नाल, हुण माइनस एम पहला ही आ माइनस एक होर आ गया तो बाहर की आजगा माइनस दे विच माइनस वन की पावर एम प्लस वन, तो बाहर की आ गया माइनस दे विच माइनस की पावर एम प्लस वन, अंदर देखो मैटर की बच रहा जीरो तो लैके इनफिनिटी तक टी दी लिमिट्स ने, ई की पावर माइनस एस इंटू टी आ, टी की पावर एम पहला ही सी एक टी की पावर होर आ गई तो टी की पावर कितनी आ गई एम प्लस वन, टी की पावर एम पहला ही सी टी की पावर वन होर आ गई तो टी की पावर कितनी आ गई एम प्लस वन। हुण ये की चीज़ लगती है आ कोई फंक्शन है इनू ई की पावर माइनस एस इंटू टी मल्टीप्लाई करके जीरो तो इनफिनिटी तक इंटैग्रल किया गया, यदा मतलब आ सारा की आ इहदी लैपलेस है इहदी, तो दोबारा फिर अपने को हो रहा कि जे आप एम प्लस वनथ डेरीवेटिव करते हैं तो नाल माइनस वन की पावर एम प्लस वन आ जाता, राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट च की आ जाता टी की पावर एम प्लस वन के एफ ऑफ टी की मल्टीप्लाई की लैपलेस, तो कि रिजल्ट ट्रू हो गया एम प्लस वन के लिए भी, सो द देयर फोर गिवन रिजल्ट इज ऑलसो ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन, हैंस बाय प्रिंसीपल ऑफ मैथमैटिकल इंडक्शन यह लिखना जरूरी होंगे कि लगातार दो केसिस घटना सही वापर गई तो हैंस बाय प्रिंसीपल ऑफ मैथमैटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन, यदा मतलब अपने को रिजल्ट आ गया जनरल रिजल्ट आ गया कि जे आप एफ ऑफ एस का एन बारी डेरीवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू एस तो बाहर माइनस वन की पावर एन आ जाती है, अंदर लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन कि रह जाती है टी की पावर एन के एफ ऑफ टी। हुण आपां इस चीज़ नूं अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके लिख सकते हैं, आपां की कर सकते हैं अपने को रिजल्ट इदा के बन गए, ऑलसो वी कैन राइट दीज रिजल्ट ऑफ कि जे किसी फंक्शन का देखो तुम आह चीज़ लिख सकते हो कि जे लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी की तुहाडे कोल एफ ऑफ एस आउंदी है, जे तुहानू टी नाल मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ टी पता करन नूं कहा जावे तां माइनस वन लगा के एक बारी डेरीवेटिव कर दो तुसी एफ ऑफ एस का, मतलब कि लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का। हुण रिजल्ट मैं एवें मोल्ड जिहा करके लिख लिया भी इकले एफ ऑफ टी की लैपलैस मैनूं पता किन्नी आउंदी आ, जे मैं सारे फंक्शन दे नाल टी मल्टीप्लाई करन तों बाद लैपलैस कढ़नी हुंदी तां की करदे माइनस वन ना मल्टीप्लाई कर देंगे, जिहड़ी इकले एफ ऑफ टी की लैपलैस आ उहदा एक बारी डेरीवेटिव कर दो एस नाल। जे आपां नूं एफ ऑफ टी की लैपलैस पता कि कैपीटल एफ ऑफ एस आउंदी आ, उन्होंने टी नाल मल्टीप्लाई करके पता करन नूं कहता, एग्जाम्पल इहदे नाल दीआं ने कि टी नाल मल्टीप्लाई करके दसो जी लैपलैस किन्नी आउंदी आ, तो तुसीं बिना टी नाल मल्टीप्लाई कीते लैपलैस कढ लो उहदा एक बार डेरीवेटिव कर दो नाल माइनस वन लगा दो, जे तुहानू उन्होंने टी स्केयर नाल मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ टी की लैपलैस पता करन नूं कहता तो माइनस वन की पावर दो लगा के दो बारी डेरीवेटिव कर दौ कि एफ ऑफ एस का। जे टी की पावर दो दे नाल कोई चीज़ मल्टीप्लाई देती एग्जाम्पल दे विच उहदी लैपलैस पता करन नूं कहता तो तुसीं बिना टी की पावर दो ले बाकी चीज़ का लैपलैस कढ लो उदा दो वारी एस नाल डेरीवेटिव कर दो माइनस वन की पावर दो लगा दो। इधर भी तो मैं यही रिजल्ट लिखा कि जे किसी चीज़ का टी की पावर एन के नाल मल्टीप्लाई करके लैपलैस कढ़न नूं कहा होया तां तुसीं माइनस वन की पावर एन लगा देनी आ कल्ले एफ ऑफ टी की, कल्ले एफ ऑफ टी की बिना टी की पावर एन ले लैपलैस कढ़ो उदा एन नाल डेरीवेटिव कर दो। आ भी यही लिखा
कि जे टी की पावर एन दे नाल एफ ऑफ टी की लैपलेस पता करन नूं कहा तो आप की कम करांगे माइनस वन की पावर एन लिखांगे एन बारी एस नाल डेरीवेटिव कर दें कि इकले एफ ऑफ टी का आप एवें एग्जाम्पल सॉल्व करांगे एग्जाम्पल च बहुत सारे क्वेश्चन ने इहदे नाल दे सो आ भी चीज मैं एवं लिखी है कि इन प्रॉब्लम्स दिस रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड एज इत्थे कई सारिया प्रॉब्लम्स ने गिया एग्जाम्पल्स ने कि टी की कोई पावर देती समथिंग दे नाल किसी चीज़ दे नाल टी की कोई पावर लगी पई है उहदी लैपलेस पता करन नूं कहा गया तो जिन्नी पावर है टी की उन्नी बार तुसीं माइनस वन की पावर एन लगाउणा जिन्नी टी की पावर एन उन्नी बार तुसीं एस दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करना इत्थे की लगाउणा उह नाल दे चीज़ की लैपलेस कल्ली विदाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी की पावर एन इहदी लैपलेस लै लो टी की किन्नी भी पावर पई है तो तुसीं जिन्नी टी की पावर आ माइनस वन की पावर उन्नी लिखनी है जिन्नी टी की पावर सी उन्नी बार एस दे विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करना पर पहला बिना इस चीज़ तो बिना टी की पावर तो एफ ऑफ टी की लैपलेस कढ लो उन्नी बार एस दे नाल डेरीवेटिव कर दिओ जिन्ना टी की पावर सी उन्नी बार माइनस वन की पावर लगा ये थ्योरम है सो अज आपां ने बेसिकली दो थ्योरम्स कीतियां ने एक हैगी आ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरीवेटिवस एक हैगी आ डिफरेंसिएशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेरीवेटिवस कल आपां नैक्सट क्लास का कम करांगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटैग्रल्स दस क पेज का कम अपना लैक्चर एक वड्डा लगेगा लैक्चर अलग तरह का टॉपिक आ इंटैग्रल्स वाला ये फिनिश करांगे अज इन्हां दे थ्योरम्स दे प्रूफ तुसीं बहुत ध्यान नाल कवरअप करने आ जाके इन्हां थ्योरम्स दे नाल दीआं प्रॉब्लम्स कवरअप करनियां ने मैनूं यकीन है कि जे तुसीं थ्योरम्स चंगे तरीके नाल समझ लईआं तां प्रॉब्लम्स कर सकदे हो सो प्रॉब्लम्स करो करके देखो मैं समझाउण दी कोशिश कीती है कि प्रॉब्लम्स किवें सॉल्व करनियां ने उन्हां दे नाल दा मिलदा जुलदा कम करके देखो जे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुंदी टिक मार्क कर लिओ कल दी क्लास दे विच आपां इत्थे डिस्कस कर लांगे कल आप नैक्सट टॉपिक करांगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंटैग्रल्स आ क्लोज कर दो भी।